Children, it's your butterflies social study class 2. Today we will do question answer of the topic school rules. School rules, school rules. आज हम school rules के two questions करेंगे. पहले अब इन question की reading करेंगे. Why? Do. Students. Have. Two. Raise. There. Hands. Before. Why do students have to raise their hands before? के कोई भी बात करने से पहले क्या स्टूडेंट जो है ना वो हैंड रेज क्यों करते थे? जो क्लास में थे बैठे हुए वो स्टूडेंट्स क्यों हैंड रेज करते थे? बिफोर टॉकिंग के बात करने से पहले वो हैंड्स क्यों रेज करते थे? तो आपको पता है कि क्योंकि उनकी क्लास में स्कूल क्लास रूल्स बने हुए थे, तो उनका ये भी एक रूल था कि जब भी कोई बात करेगा तो वो पहले हैंड रेज करेगा ताकि पता चल जाए कि वो बात करना चाह रहा है, तो फिर बारी बारी उनकी बात सुनी जाएगी या उनकी सुजेशन ली जाएंगी या उसका काम सुना जाएगा. ठीक है, इसका आंसर हम लिखेंगे because it was the class. Rule. Two. Raise. There. Hands. Before. Talking. Because it was the class rule to raise their hands before talking. के उनकी क्लास का रूल था कि जब भी कोई बात करेगा तो इससे पहले वो हैंड रेज करेगा. इसलिए स्टूडेंट्स जो है ना वो बात करने से पहले हैंड रेज करते थे. अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाई. डिड दे मेक द डिस्प्ले ऑफ रूल्स. Why did they make the display of rules? के वो rules क्यों display उन्होंने किए हुए थे अपनी class में? तो इसकी reason क्या थी कि उन्होंने क्यों display किए हुए थे rules? इसलिए उन्होंने display किए थे ताकि वो class में उनको देखें, रोज उसको देखें और उसको पढ़ें, उसकी रीडिंग करें और उन रूल्स को लर्न करके तो अपनी क्लास पर अप्लाई कर सके. इसलिए उन्होंने अपनी क्लास में रूल्स डिस्प्ले किए हुए थे. आंसर है दे मेक द डिस्प्ले ऑफ. इसका हम आंसर लिखेंगे. क्वेश्चन था व्हाई डिड दे मेक द डिस्प्ले ऑफ रूल्स, के उन्होंने रूल्स क्यों जो है ना वो क्लास में लगाए हुए थे. तो इसका हम आंसर पढ़ेंगे दे मेक द डिस्प्ले ऑफ रूल्स. सो दैट दे see read and learn them. They make the display of the rules so that they see read and learn them. उन्होंने क्लास में रूल्स इसलिए डिस्प्ले किए हुए थे ताकि वो इन रूल्स को रोज देखें, इसकी रीडिंग करें और उनको लर्न कर ले और अपनी जो क्लास है उसमें अप्लाई कर सके. आपने ये टॉपिक स्कूल रूल्स के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपने अपने रजिस्टर पर लिखना है, इसकी अच्छी तरह से रीडिंग करनी है और इसको लर्न करना है.